वेलकम जी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट अपनी एक्सरसाइज को, जो हमारे लेक्चर चलते आ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल को आज डिस्कस करेंगे, और उसमें ये तीन क्वेश्चन हैं, 6, 7 एंड 8। चलिए पहले नंबर को देख लेते हैं। पहले नंबर में क्या कहता है, कहता है एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंस जीरो केल्विन इज द थ्योरेटिकल लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। दिस करस्पॉन्ड्स अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 सेंटीग्रेड बिलो द जीरो। रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग द नेगेटिव नंबर। अच्छा, इस टेम्परेचर को हमने नेगेटिव नंबर यूज़ करना है, तो दैट इज़ टू सिंपल। आप इसे 273.15 सेंटीग्रेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कहता है कि इसी टेम्परेचर को हमने नेगेटिव नंबर दे के रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इसे नेगेटिव नंबर दे के रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। The lowest point in the North America is the Badwater Basin, which is 86 meter below the sea level. Represent this altitude using a negative number. तो आपने 86 meter को अगर negative number से represent करना है, तो हम कहेंगे that could be as a -86 meter, और ये represent करता है कि ये temperature, यानी कि ये इतने meter नीचे below the sea level आपका टेम्परेचर नेगेटिव होगा। तो ये तो बड़ा आसान था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। सेकंड, फिल इन द बॉक्स विथ ग्रेटर देन और लेस देन साइन। अब ये कह रहा है इन बॉक्स में आप ऐसा करें कि फिल करें। अब देखें -4, अब देखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था कि जितना नंबर आपका माइनस में बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -6 बड़ा है तो हम कहेंगे ये इतना छोटा होगा, तो हम कहेंगे -4 इज़ ग्रेटर देन व्हाट -6 से ये 4 हमारा ग्रेटर होगा। अच्छा, -11 इज ग्रेटर देन व्हाट -11.5। अब 1/5, अब 1 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 1 को 5 से डिवाइड करें बेटा जी, तो इसका आंसर आ जाता है 0.2। अच्छा, 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 0.33। अब देखें ये 0.20 है और ये 0.33 है, इसका मकसद है 1.33, 1.3 इज ग्रेटर देन दिस वन। अच्छा, 1/3 जो आंसर देगा माइनस में, 1/3 वो आंसर देगा आपका -0.3 एंड 3 एंड 3। अच्छा, -5/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर देगा -0. अब इस 5 को आप 0 लगा दें और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.8, और मेरे ख्याल से 3 और समथिंग लाइकली सेम आएगा। अब देखें इतना नंबर माइनस में बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो इट मींस दिस नंबर इज अ बिगर, तो हम कहेंगे 1/3 ये बड़ा है। ये तो बड़ा आसान था, आई थिंक सो। अब देख लेते हैं हम आगे क्वेश्चंस को, और आगे के क्वेश्चंस कैसे होते हैं थोड़ा ध्यान कीजिएगा। अब ये कहता है कि आगे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब कहता है कि नंबर लाइन लें और फिर इन्हें इलस्ट्रेट करें उसी नंबर लाइन पर। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज द नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 एंड हियर एज अ 1, और यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ एंड 3 भी ले लेता हूँ एंड 4 भी बेटा जी एंड 5 भी ले लेता हूँ, और इस तरफ से मैं नेगेटिव नंबर लूँगा -1 -2, फिर यहाँ से -3 एंड -4 एंड सिमिलरली -5। अब देखिए हमें इन नंबरों को यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो -1/3। अब देखें माइनस जो 1/3 है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस में 0.33 एंड 33 आएगा। इट मींस नेगेटिव में ये कहीं नंबर ये यहाँ लाए कर रहा है, तो दैट इज़ व्हाट -1/3। तो ये नंबर हमारा -1/3 यहाँ लाए कर रहा है। सेकंड को देखें, ये कहता है 2.5, इट मींस 2 एंड 3 के दरमियान जो नंबर है यहाँ पर ये 2.5 लाई करता है। अच्छा,
फोर होल 3/8। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट वुड बी 535/8। अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करें दैट वुड बी 4.3। लाइकली सेम आगे भी होंगे लेकिन हमने 4.3 तक अप्रॉक्सीमेटली लेना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। अब 4.3 यानी कि इसका मकसद है यहाँ कहीं ये नंबर लाए कर रहा है, ये 4.5 है, तो आप ऐसा कर दें इसे यहाँ पर रख दें, 4.3 ये यहीं लाए करता है। चलें 1, तो ये 1 तो सीधा सीधा पड़ा है, ये हमारा 1 है। अच्छा जी, -0.2। अब देखिए -0.2 यानी कि इसका मकसद है ये नंबर कहीं इस जगह लाए कर रहा है, ठीक है, तो हम इसे कह देते हैं -0.2। अब ये कहता है 0.11 इसका मकसद है ये 0.5 से कम है, तो ये कहीं जीरो के करीब लाए कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह, तो हम कहेंगे ये 0.11। तो ये थी पार्ट ए की इलस्ट्रेट लाइन। अब आगे क्या कहता है, आगे देखिए पार्ट नंबर बी में कहता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बताएं जो 20 से कम है, हम कहेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और उसके अलावा 13 है, 15 है, और 17 है, और उसके अलावा आपके पास 19 है। ये वो आर नंबर्स हैं जो 20 से कम है, ये तो बी पार्ट हो गया। प्राइम नंबर मोर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। अब देखें ये कह रहा है कि प्राइम नंबर जो 2 भी हो और 2 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो, तो 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 आपका प्राइम है, और आपका 7 भी प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है। क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन आपको याद हो, हमने कहा था ऐसा नंबर जिसका वो खुद डिवाइज़र हो या उसका 1 डिवाइज़र हो, तो 9 के डिवाइज़र 3 आ जाएंगे, तो 9 को 1 भी डिवाइड करेगा, 9 को आपका 3 भी डिवाइड करेगा, और 9 खुद को भी डिवाइड करेगा, तो इसमें डिवाइज़र बढ़ जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 डिवाइज़र हों उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा चलें ये हो गया। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। अब देखें हमें कहा गया है कि आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो 12 एंड 16 पर दोनों पर जाए, हम कहेंगे द कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 4 ही एक सा कॉमन नंबर है जो इनको जा रहा है। अब आप कहेंगे सर 4 तो जा रहा है पर यहाँ पर 12 भी तो है, 2 भी तो है जो इन दोनों पे जा रहा है, तो यस दीज बोथ आर कॉमन फैक्टर्स, तो 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 4 भी इसका कॉमन फैक्टर है। अब आप पूछेंगे सर 1 भी तो जा रहा है, तो मैं कहूँगा 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसकी हम निकाल लेते हैं LCM। तो 16 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, एंड फिर 2 होगा, और 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 होगा, 2 होगा, एंड 3 होगा। तो इसका मकसद है कि हमारे पास जो इनमें कॉमन हैं वो अगेन 2 एंड 2 हैं, तो यानी के और 1 भी इनके दरमियान कॉमन है, लास्ट में आप 1 लगा दें कोई इशू नहीं है। अब देखें इट मींस 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 1 भी इनका कॉमन फैक्टर है, और 4 भी इनका कॉमन फैक्टर है, तो 4 इनका भी कॉमन फैक्टर है, तो इट मींस इनके कॉमन फैक्टर्स 1, 2 और 4 हो जाएंगे। तो ये था पार्ट डी। तो ये इंटरमीडिएट बड़ी आसान थी, और अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे एडिटिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, अब ये कैसे होते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं डायरेक्टली आपकी एक्सरसाइज पे जाऊंगा, क्योंकि ये बड़े आसान चीज़ें हैं और आपको समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।